हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और एक बार फिर से हम सेवन स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 2 के पेज नंबर 13 के एक्सप्लेनेशन में है। तो चलिए शुरू करते हैं, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। ठीक है, थोड़ा सा देखिए और उसे डिस्कस भी करिएगा अपने दोस्तों में, पेरेंट्स के साथ या टीचर्स के साथ। ऑब्जर्व अ ब्रांच ऑफ प्लांट्स लाइक रोज। ठीक है, रोज़ को देखिए, हाँ उसके प्लांट को देखिए, नीम के प्लांट को देखिए, कॉरेंडर के प्लांट को देखिए और हैबिकस के प्लांट को देखिएगा। हाँ चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए ये रोज़ है, अभी इसके देखिए पेटल्स कहाँ पर है, इसके लीफ कैसे हैं, इसका नोड कैसा है ना, ये सारी चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है और लिखना है। ठीक है, तो ये है आपका रोज़ का प्लांट। हाँ ये है आपका नीम का प्लांट। देखिए ये कैसे हैं, है ना, इसके जो लीव्स है वो कैसे हैं, इसका प्लेंट कैसा है, राइट, इसको भी ऑब्जर्व करिए ध्यान से। ओके, नोड्स कैसे आ रहे हैं इसके, इसके लीव्स कैसे हो रहे हैं, कौन से टाइप के लीव्स हैं, तो ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है, क्या क्या होता है। उस टर्मिनोलॉजी को बार बार यूज़ करिए कम्युनिकेट करने के लिए, तो डेफिनेटली आप एक चार पांच बार सारे टर्म्स यूज़ करके अगर आप कम्युनिकेट कर लोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ देखिए ये है ना, ये वाला प्लांट हैबिकस का, ये कैसे हैं, इसको ऑब्जर्व करिए बराबर से, राइट, और देखिए कि कैसे वो बढ़ रहा है, कैसे आता है और क्या होता है उसके अंदर, राइट, उसके लीव्स, उसके नोड्स और सारी चीज़ों के बारे में अपने पेरेंट्स को या अपने टीचर को एक्सप्लेन करिए। इन डिफरेंट प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टीम इज़ डिफरेंट। ठीक है, हर एक प्लांट में जो लीव्स हैं उनके अरेंजमेंट अलग अलग है। इट मे बी ऑल्टरनेट, इट मे बी ऑपोजिट, इट मे बी वर्ल्ड, इट मे बी स्पायरल एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये ऑल्टरनेट है, एक इधर 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 है, तो ये ऑल्टरनेट कहेंगे, ऑल्टरनेट पैटर्न है इसका, है ना, ये डिकसेट है। यहाँ पे देखिए टेढ़ा मेढ़ा, एक इस तरफ, एक इस तरफ, एक इस तरफ, तो ये डिकसेंट है, ये ऑपोजिट है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो ऑपोजिट। ये वर्ल्ड है, मतलब कैसे भी है, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। ठीक है ना, ड्रॉ स्पेशल लीफ यू मे हैव फाउंड, और यहाँ पे आप ड्रॉ करिए, आपको भी अगर कोई ऐसा स्पेशल तरीके का पैटर्न मिला होगा तो। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, अभी अलग अलग तरीके के लीव्स क्या होते हैं। टेक अ पीपल लीफ एंड अ मेज लीफ एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। ठीक है, देखिए ये लीव्स है, ये केले के पत्ते का है और ये देखिए, राइट, और इसको ऑब्जर्व करिए ध्यान से। द पीपल लीफ इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट्स बाय अ सिंगल मिड वेन विच लाइज अलोंग द मिड लाइन ऑफ द लीफ ब्लेड। ठीक है, लीफ ब्लेड क्या से जो मिड रे निकलता है, मिड वेन निकलता है, वहाँ से जो लीफ को इक्वली डिवाइड करता है, राइट। सेकेंडरी वेन्स अराइज फ्रॉम द मिड वेन, अब जो सेकेंडरी वेव्स है वो मिड वेन से फिर छोटे छोटे होके निकलते हैं, बराबर ना, देखो यहाँ पर, राइट, दे आर ब्रांच्ड एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ रेटिकुलम। ठीक है, अब देखो फिर सबका एक छोटा छोटा ब्रांच निकल रहा है और फिर वो छोटे छोटे ब्रांच के और ब्रांचेस निकल रहे हैं, तो एक रेटिकुलम जैसा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक जाले जैसा पूरा बन रहा है ना, रेटिकुलम मतलब जाला। ठीक है, जाले जैसा बन रहा है। ओके, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, ऑन द अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, हाँ, इन लीव्स ऑफ मेज, ठीक है, मेज के जो लीव्स होते हैं, ऑल द वेन्स आर पैरेलल। ठीक है, देखो पैरेलल है ना, एकदम सब एक 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 ऐसे ही जा रहे वेन्स, रनिंग फ्रॉम द लीफ बेस टू द लीफ एपेक्स। ठीक है, लीफ के बेस से स्टार्ट होके लीफ के एपेक्स तक सीधे सीधे ऊपर तक जाते हैं। दस द पीपल लीफ ब्लेड हैज़ रेक्टेंगुलर वेनिएशन एंड द मेज लीफ ब्लेड हैज़ पैरेलल वेनिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर रेक्टिकुलेट वेनिएशन भी होता है और पैरेलल वेनिएशन भी होता है। ठीक है, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ
सम अदर प्लांट्स इन योर सराउंडिंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग लीव्स को आप देखिए और आप आइडेंटिफाई करिए कि उनके वेरिएशन कैसे है। ठीक, अ लिटिल फन, टेक अ फॉलन पीपल लीफ एंड सोक इट इन वाटर फॉर 15 to 20 days। ठीक है, एक लीफ का पत्ता लो और उसे 15 से 20 दिन तक पानी में सुखा के रखो। ड्राई इट एंड मेक अ ग्रीटिंग कार्ड ऑफ द लेस लाइक लीफ यू गेट। ठीक है, और जो लेस लाइक लीफ आपको मिलेगा उसको सुखा करके उसका एक ग्रीटिंग कार्ड बनाओ। कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट बाय ऑब्जर्विंग द प्लांट्स अराउंड यू। ठीक है, जो भी आपके आजू बाजू में प्लांट्स हैं ना उसको देख के ये जो टेबल है उसे कंप्लीट करो आप। मेस कन्ना पीपल, ठीक है, ये कनान प्लांट्स हैं, देखिए कनान प्लांट्स हैं, कन्ना प्लांट्स हैं, राइट। मेज कैना एंड पीपल, टाइप ऑफ लीफ, कौन से टाइप के लीव्स हैं यहाँ पर, शेप ऑफ द लीव ब्लेड, कौन से टाइप के लीव ब्लेड के शेप्स हैं, वेनिएशन क्या है, शेप ऑफ द लीफ मार्जिन क्या है, शेप ऑफ लीफ एपेक्स क्या है, है ना, पेटल यस नो, स्टेपल यस नो, अरेंजमेंट ऑन स्टीम। तो आपको ये सब देखना है उन लीव्स का, ठीक है, ऑब्जर्व करिएगा जो हमने इस तक डिस्कस किया है उन सब के बेसिस पे। हाँ, राइट, सो दिस वाज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 13 ऑफ द सेकेंड चैप्टर ऑफ 7th स्टैंडर्ड साइंस। राइट, सो इसी तरीके से आपको सीखते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। कीप कमिंग, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।